नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। केदारनाथ मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, अभिषेक कपूर की केदारनाथ, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत के साथ लीड रोल में हैं सारा अली खान। फैंस को लंबे समय से इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार था। केदारनाथ के ट्रेलर की शुरुआत होती है केदारनाथ के कुछ बेहद खूबसूरत सीन के साथ, जहां बैकग्राउंड में सुनाई पड़ता है यात्री यहां आते हैं तीर्थ पर भगवान से मिलने और उनकी सुविधा हमारा धर्म है। मुसलमान पिट्टू बने सुशांत सिंह राजपूत कहते सुनाई दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ हमारी पुश्तें सेवा करती आई हैं, श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए हैं, कंधों पर बिठाकर तीर्थ कराया है और यह बात हमारी आपकी नहीं, पूरे केदारनाथ की बात है। फिल्म के ट्रेलर में सारा एक मस्तीखोर बिंदास लड़की की भूमिका में नज़र आ रही है, जिसमें भगवान को लेकर आस्था भी है और क्रिकेट के लिए भी प्यार। सारा और सुशांत के बीच प्यार बड़ी ही खूबसूरती से पनपता है और फिर घर वालों का विरोध करते हुए सारा सुशांत के साथ जीने मरने की तैयार हो जाती है। केदारनाथ के ट्रेलर में सुशांत और सारा की नई जोड़ी कमाल की लग रही है। ट्रेलर काफ़ी दमदार है और ऐसा लग रहा है कि अपनी पहली फिल्म में सारा दर्शकों का दिल जीत पाने में सफल हो जाएगी। सारा ने ट्रेलर रिलीज से पहले यह पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, ताकि इसकी लिए फैंस काफ़ी पागल हो जाएं। फिल्म फैंस के लिए इसलिए भी है, फिल्म खास है क्योंकि इस फिल्म में सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह की बेटी सारा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। हाल ही केदारनाथ की टीजर लॉन्च किया गया था, फैंस को काफ़ी पसंद आया। इस टीजर में केदारनाथ में 2013 में आई हुई तबाही का मंजर नज़र आ रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। 1:39 के इस टीजर में केदारनाथ में आई उस तूफानी बाढ़ के साथ साथ आपको सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान में के बीच पनपता प्यार और इंटीमेट सीन भी दिखाई देगा। इससे पहले फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था, जिसमें मुस्लिम पिट्टू अपने सुशांत सिंह की पीठ पर कोई पेच फितूर जैसे फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और फिल्म फैंस की उनकी फिल्म के काफ़ी उम्मीदें हैं। और बहुत ही बढ़िया ट्रेलर दिख रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि सोहा किस कदर सुशांत को प्यार करती है, उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोनों जोड़ी दिख रही हैं अच्छी सीन पर, और दो जो जिस तरह जिस तरह का तबाही जो मंजर था 2013 में केदारनाथ का, उसे दर्शाने की कोशिश की गई और कुछ हद तक ट्रेलर काफ़ी असरदार रहा। तो मुझे तो ये ट्रेलर हिट रहा लगा। आपको क्या लगा?